मजदूर के कब से लगे हैं लाइन में? सुबह 5 बजे से लगे हैं जी। किसके लिए? बूढ़े माँ बाप के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए लगे हैं। देखो उम्मीद भी खड़े हैं, उम्मीद के सहारे खड़े हैं। अब केजरीवाल और मोदी की तो आपस में यूं लग रही है और मर रही है पब्लिक। केजरीवाल मोदी वाल के चक्कर में मर रही है पब्लिक। यहाँ नेताओं को जरूरत होती है वो क्या करते हैं बताइए? नेताओं के लिए सारी फैसिलिटी है, एक आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं, जबकि पब्लिक से नेता है। केजरीवाल जी को एडवर्टाइज, तो आज के बाद हम वोट देंगे ना, हम उसको वोट देंगे जो हमारे भले के लिए सोचेगा। ये गलत बात है, दिल्ली गवर्नमेंट भी गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी गलत है। जो हमारे खिलाफ गुस्सा है, गुस्सा इसलिए है क्योंकि ये लाइन जान की है, जान प्राण वायु कहा जाता है ऑक्सीजन को, और उस ऑक्सीजन के लिए लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, इस तरीके से धक्के खाने पड़ रहे हैं, और इसीलिए लोगों की तकलीफ जो है वो बातों में निकल के आती है। अब तो क्या हॉस्पिटल ने कह दिया? हाँ, हॉस्पिटल ने, मैक्स हॉस्पिटल ने रिटर्न में दिया है, या तो ऑक्सीजन का अरेंज करो नहीं तो फिर हॉस्पिटल पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन का आप हाल देख रहे हैं। और स्थिति सिर्फ इतनी ही नहीं है, दुकान बंद है, हम आपको दिखाएं कि दुकान बंद है, कब खुलेगी दुकान नहीं पता है, जो मालिक है वो सामने खड़े हैं, उनके पास भी जवाब नहीं है। हम आपको इस कतार की तस्वीर दिखाते हैं जो कि थोड़ी अलग है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर कतार में नहीं खड़ी है, कहीं ईंट आपको दिखेगी, क्योंकि ये वो सिलेंडर है जो पेशेंट को लगी हुई है, पेशेंट से आप निकाल करके यहाँ कतार में लाकर सिलेंडर नहीं खड़ी कर सकते, तो किसी ने ईंट लगा दी है और किसी ने पानी का बोतल लगा दिया है, ये करने के लिए पानी का बोतल भी है यहाँ पर, कि कम से कम कुछ तो खड़ा रहे कतार में। इंसान नहीं खड़ा हो सकता, सिलेंडर नहीं खड़ा हो सकता, जिसको ऑक्सीजन लगा है उसका निकाल करके आप खड़ा नहीं कर सकते। ये दर्द है और यही दर्द लोगों का छलक रहा है। स्थित नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर के आगे क्या हाल है आप भी देखिए। कोई भी सेंटर के अंदर नहीं है, मतलब हम अभी हम लोग सब कल भी आए थे यहाँ पर, गुस्साए लोगों ने गेट को पीटना शुरू कर दिया है। देखिए पूरा यहाँ पर अराजकता का माहौल बन गया है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बीएमसी ने, सरकार ने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है, लोग गुस्साए हुए हैं। चलिए गिनती शुरू करते हैं। अगर मैं ये भी मानूं, कम से कम मैं संख्या लूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 लोग मौजूद हैं, तो चलिए इसके आगे मैं चलता हूँ। गिनती करने से पहले मैं एक इन सीनियर सिटीजन्स की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। इनकी सुनिए, आंखों को देखिए। उम्मीद करी जाती थी कि गृह मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सीनियर सिटीजन के लिए तो कम से कम शायद बैठने के कुछ अच्छे अरेंजमेंट करता, पानी का अरेंजमेंट करता, शेड का इंतजाम करता, लेकिन हाथ में इनके लाठी है, यहाँ पर मजबूर है इस तरीके से ये खड़े होने के लिए। मूर्ख लोग आए ये बोल रहे हैं कि 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। चलिए गिनती शुरू करते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.